मेरे पतिदेव को चलते फिरते मुझे छेड़ते हुए शरारत करने की आदत है। वे कभी गाल छू लेते हैं तो कभी कमर पर चुटकी ले लेते हैं। यह भी नहीं देखते कि आसपास कोई है या नहीं, बस मेरे प्रति अपना ढेर सारे प्यार को सरेआम जता देते हैं। मेरे मना करने पर या शर्म करो कहने पर कहते हैं, अरे यार, अपनी खुद की बाकायदा बीवी को छेड़ रहा हूँ, कोई राह चलती लड़की को नहीं और प्यार जता रहा हूँ, सता नहीं रहा। समझी जानू, बेशक मुझे भी उनका यो प्यार जताना गुदगुदा जाता है। कभी चुपके से मैं भी इनकी पप्पी ले लेती हूँ, हम यहाँ बीवी जो है। पर एक से दो बार मैंने नोटिस किया है कि मेरी कामवाली गीता हम पति पत्नी की ये अटखेलियाँ दरवाजे के पीछे खड़ी रहकर छिप छिप कर देखती है। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, पर अब तो गीता ऐसी हरकतें बार बार करने लगी थी। वैसे गीता बहुत अच्छी है, स्वभाव भी मिलनसार और काम भी परफेक्ट, कभी शिकायत का मौका नहीं देती। जब वह कुनारी थी तभी से हमारे घर में काम कर रही है। अभी एक साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। ससुराल यही पास ही में है तो शादी के बाद भी गीता ने काम नहीं छोड़ा। वह हमारे परिवार से घुल मिल गई है। दरअसल कुनारी लड़कियों को ऐसी हरकतें देखने की उत्सुकता रहती है, पर गीता की तो अब शादी हो गई है। उसका परि भी उसे प्यार करता होगा, शारीरिक सुख देता होगा, फिर हमें प्यार जताते देखने की इतनी ललक क्यों है। मैंने अपने पति अभिराज को इस बारे में बताया भी, पर उन्होंने बात को मजाक में टाल दिया। पर मैं अब सतर्क हो गई थी। जब गीता काम करने आती थी तब मैं अपने पति से दूरी बनाने की कोशिश करती थी। यूं ही साल भर बीत गया। एक दिन बिना बताए गीता काम पर नहीं आई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब छुट्टी लेनी होती है तब वह बता कर जाती है या फोन कर देती है। हमने सोचा कि आ गया होगा कोई काम, पर जब वह दूसरे दिन भी नहीं आई तो मैंने उसके पति को फोन लगाया, पर कोई रिप्लाई नहीं। मैंने अभिराज से कहा, चलिए न गीता के घर, मुझे फिक्र हो रही है, जरूर कुछ हुआ है, वरना गीता यो बिना बताए कभी छुट्टी नहीं लेती। इनको ज्यादा फिक्र नहीं थी तो बोले, अरे शालू, कोई दूसरी कामवाली रख लो न यार, कहां दूसरों के झमेलों में पड़ती हो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। पर मेरे मन को चैन नहीं था तो इनके ऑफिस जाते ही मैं एक्टिवा लेकर निकल गई। एक बार भारी बारिश थी तो हम गीता को गाड़ी में छोड़ने गए थे। पास वाली बस्ती में ही रहती है इसलिए घर देखा हुआ था। मैंने एक्टिवा गली के नाके पर पार्क की और छोटी सी पगडंडी पर चलते हुए उसके घर पहुंची। देखा तो गीता की सास आंगन में बैठी लहसुन छिल रही थी। मैंने पूछा, मौसी, गीता कहाँ है? दो दिन से काम पर नहीं आई। यह सुनते ही मौसी तुनक कर खड़ी हो गई और दहाड़ते हुए बोली, नाम मत लो उस कुलटा का, हमारी इज्जत पर पानी फेर दिया उस करमजली ने। मैंने हकीकत जाननी चाही, पर वे तो गीता को गालियां देती मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करके घर के भीतर चली गई। पड़ोस के घर में खड़ी एक लड़की चुपके से मुझे देख रही थी। मैं उसके पास गई तो वह भी दरवाजा बंद करने लगी, पर मैंने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया और पूछा, अगर तुम्हें पता हो तो सिर्फ इतना बता दो कि गीता कहाँ है। सरकारी अस्पताल में, कहकर वह लड़की दरवाजा बंद करके चली गई। मैंने एक्टिवा ली और सरकारी अस्पताल आ गई। कितनी देर इधर उधर भटकते हुए मुश्किल से गीता को ढूंढा। देखा तो वहाँ पुलिस भी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गीता ने ऐसा क्या किया होगा। मैं नजदीक गई तो मुझे देखकर गीता ने शर्म के मारे चेहरा दूसरी तरफ कर लिया।
मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और गीता से कहा, इधर देखो। गीता नजरें झुकाए बोली, मैडम आप यहाँ। मैंने कहा, जब तुमने कोई खबर नहीं दी तो मुझे आना ही पड़ा। बताओ भी क्या हुआ है, कहीं गिरविर गई या किसी ने मारा? एक एक बात बताओ। गीता ने कहा, मैडम सब बताऊंगी, थोड़ी ठीक हो जाऊं फिर घर आती हूं। यहां कुछ बताना ठीक नहीं। मेरी बात सुनकर आप ही इंसाफ करना कि मैं सही हूं या गलत। मुझे लगा कि शायद कोई गंभीर बात है, इसलिए मैंने कहा, ठीक है मैं इंतजार करूंगी। ये ले 5,000 रुपए रख और किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन करके बता देना। और मैं घर आ गई। सबसे पहले जब तक गीता ठीक होकर वापस नहीं आती तब तक किसी दूसरी कामवाली का इंतजाम करना पड़ेगा। इंटरकॉम पर पूरी सोसाइटी से पूछ लिया। सविता नाम की एक कामवाली मिल गई। मैंने अपने पति को गीता के बारे में बताया, पर हमदर्दी के बदले डांट मिली। यार अब नई कामवाली मिल गई ना, छोड़ो कि गीता की लाइफ में क्या हुआ वह जानने की तुम्हें क्या जरूरत है। फिर भी मेरे मन में गीता के प्रति अपनापन था। सालों से वह हमारी जिंदगी का हिस्सा रही है। अगर वह किसी मुसीबत में है तो हमारा फर्ज बनता है उसकी मदद करना। आहिस्ता आहिस्ता 2 महीने बीत गए। एक दिन अचानक गीता का फोन आया, मैडम आप घर पर हैं क्या? मैंने कहा, हाँ घर पर ही हूँ। वह बोली, अभी आई गैस पर चाय चढ़ाकर मैं गीता की कहानी सुनने के लिए खुद को तैयार करने लगी कि दरवाजे की घंटी बजी। गीता ही थी। मैंने पूछा, कैसी हो अब? मैडम तन के घाव तो ठीक हो गए, मन में जो पीड़ा और जलन है उसका इलाज कैसे करूं? मैंने पानी और चाय पिलाकर गीता को शांत करवाया। मैंने भी चाय पी और कहा, चल अब दोनों शांति से बात करते हैं। बता। गीता ने कहा, मैडम सबसे पहले आप बताइए कि क्या सिर्फ पेट की भूख ही तन को जलाती है? जवान खून को तन की प्यास भी लगती है कि नहीं? सेक्स के लिए शारीरिक जरूरत जितनी मर्दों को जलाती है उतनी ही औरतों को भी जलाती है कि नहीं? शादी के बाद भी इस जोश का इलाज न हो तो औरत को क्या करना चाहिए? मैडम मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, पर अभी तक कुमारी हूँ। मेरा पति संजय नामर्द है, आज तक उसने मुझे छुआ तक नहीं। मेरे भीतर का जोश लावा की तरह धधक रहा है। अगर यही सब मर्द के साथ होता तो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वह कहीं भी मुंह मारता कि नहीं? कौन इस तन की आग से बच पाया है? एक लड़की कितने सपने आंखों में भर कर शादी करती है। पति के प्यार को तरसती है, पर मेरे नसीब खोटे कि मुझे एक ऐसा पति मिला जो औरत की जिस्मानी जरूरत पूरी करने में नाकाम है। मैंने कहा, गीता तू इस बिना पर अपने पति से तलाक ले सकती है और दूसरी शादी कर सकती है। गीता ने कहा, मैडम हमारे समाज में एक बार लड़की जिस घर में ब्याह दी जाती है वहीं से उसकी अर्थी उठती है। तलाकशुदा लड़की का पूरा समाज बहिष्कार करता है। मैडम इसी नामर्द के साथ मुझे जिंदगी बितानी होगी, तिल तिल मरना होगा। मेरे जेठानी का कमरा हमारे कमरे के पास ही है। आधी रात तक उन दोनों के कमरे से आ रही प्यार की मदभरी आवाजें मेरे कानों में ऐसे चुभती हैं, जैसे धधकता लावा किसी ने मेरे कानों में उड़ेल दिया हो। जेठजी के बदन मसलने पर जेठानी के मुंह से निकलती आहें और सिसकियां मेरे भीतर हवस की ज्वाला भड़का देती है। मैं बेकाबू सी अपने पति से लिपट कर उनको जोश में लाने की कोशिश करती हूँ, पर उस ठंडे समंदर में उफान उठता ही नहीं। आपको शायद पता होगा कि साहब जब आपको छेड़ते और शरारत करते थे तब मैं चुपके से देखती थी।
आपको देखकर मेरा भी मन करता कि कोई मुझे भी छेड़े, मुझे भी प्यार करे। एक दिन मेरे ताऊ ससुर का लड़का वनराज घर आया था, एकदम बाका जवान। उसके गठीले बदन को देखकर मेरे भीतर खलबली मच गई। उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ते ही मैंने होठों पर जीभ रगड़कर अपनी प्यास जाहिर कर दी। फिर तो वह बार बार हमारे घर आने लगा। हम दोनों एक दूसरे को जीजान से चाहने लगे। एक दिन मेरी बुआ सास की लड़की की सगाई थी, तो घर के सारे लोग पड़ोस के गांव जा रहे थे, पर मैं पेट दर्द का बहाना बनाकर घर पर ही रुक गई। फिर जैसे ही सब गए, मैंने वनराज को अपने घर बुला लिया और उस दिन मैंने अपने कुमारेपन को वनराज को सौंप दिया। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया और शादीशुदा होकर एक गैरमर्द के साथ रिश्ता बनाया, पर परंपरा के नाम पर अपने एहसासों का खून मुझे हरगिज मंजूर नहीं था। इस पूरे कांड में गलती सिर्फ मेरे पति संजय की थी, जिसने जानबूझकर मेरी जिंदगी खराब की। इसलिए मैंने अपनी आग बुझाने का जो रास्ता सही लगा वह अपनाया। उस दिन मैंने और वनराज ने जी भर कर एक दूसरे पर प्यार लुटाया। उसके बाद जब भी मौका मिलता, वनराज मेरी शारीरिक जरूरत पूरी कर देता। मैडम, मैंने सिर्फ सेक्स के लिए वनराज से रिश्ता नहीं बनाया, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से दिलोजान से प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन मैं और वनराज घर की छत पर एक दूसरे के प्यार में पागल होते खो गए थे कि मेरे पति ने हमें ऐसी हालत में देख लिया। वह पास ही पड़ी लाठी उठाकर मुझे पीटने लगा, पर मैं दिलजली अधूरी प्यासी थी, इसलिए उसके हाथ से लाठी छीन कर मैं उस नामर्द पर ऐसे टूट पड़ी कि सारी हड्डियों का चूरमा बना दिया। अब आप ही बताइए कि मैंने क्या गलत किया। सारा किस्सा सुनने के बाद मुझे गीता किसी पहलू से गलत नहीं लगी, बस उसने हालात को उलझा दिया था। मैंने गीता को समझाने की कोशिश की, तुम और संजय आमने सामने बैठकर इस मसले का हल निकाल लो। गीता ने कहा, मैडम अब जो भी अंजाम हो, पर मैं उस नामर्द के साथ एक दिन भी नहीं बिता सकती। कुछ भी करके इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ और वनराज के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। परिवार और समाज के डर से मुझे अपनी जिंदगी धोनी नहीं बल्कि जश्न सी जीनी है। गीता की आंखों में प्यार की खुमारी और हिम्मत को देखकर मैंने गीता की जगह खुद को रख कर देखा, तो किसी पहलू से गीता मुझे गलत नहीं लगी। मैंने उससे कहा, देखो तुम गलत बिल्कुल नहीं हो, प्यार और जंग में सब जायज है। शादी टूटने में हर बार औरत ही जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि इस तरह थोपा गया रिश्ता टूट जाए वही सही है। गीता मेरे गले लगते हुए बोली, मेरी भावनाओं को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, अब मुझ में हिम्मत आ गई है। मैडम जब तक यह मामला सुलझ न जाए तब तक शायद काम पर न आ सकूंगी, पर वादा करती हूँ कि सब ठीक होते ही वापस काम पर लौट आऊंगी, कहकर गीता चली गई। इस बात को 4 से 5 महीने हो गए थे। मैं तो गीता को भूलने भी लगी थी कि एक दिन अखबार में पढ़ा कि एक शरीफ पति के हाथों गीता नाम की एक बदचलन औरत का कत्ल। मैंने तस्वीरें ध्यान से देखी और मन ही मन बोली कि यह तो मेरी वाली गीता है। मैं तुरंत उस अखबार के दफ्तर गई और संपादक को सारी सच्चाई बताकर कहा, कल के अखबार में अब वही छपेगा जो अब मैं कहने जा रही हूँ। दूसरे दिन उस अखबार में खबर थी कि कल वाले मर्डर केस में एक सनसनीखेज खुलासा। एक नामर्द पति के हाथों गीता नाम की मासूम और शादी के नाम पर छली गई औरत की हत्या। यह पढ़कर मुझे संतोष मिला। मैं सोचने लगी, पाखंडी समाज में न जाने ऐसी कितनी गीताएं दूसरे की गलती के चलते बलि चढ़ जाती होंगी। सहना सिर्फ औरतों के हिस्से ही क्यों आता है। इतने में पतिदेव ने चुटकी बजाते हुए मेरे ख्यालों की डोर तोड़ते हुए कहा, हेलो बीवी, एक कप चाय मिलेगी क्या।
मैं मुस्कराते हुए अभिराज के गले लग गई।